सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज शिवराज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पर डे कितना स्किपिंग करना चाहिए या फिर आपको पर डे कितनी देर स्किपिंग करना चाहिए जिसकी वजह से आप आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, पर वो जो वीडियो बनाए थे उसमें हम एक एवरेज ह्यूमन बॉडी लिए थे, तो फिर वो एकदम एग्जैक्ट जो था वैल्यू नहीं आया था आपके बॉडी के हिसाब से, क्योंकि सबका बॉडी वेट अलग होता है, तो सबके हिसाब से जो वैल्यू आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। पर इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के हिसाब से था, पर आज की इस वीडियो में हम आपको जो कैलकुलेशन बताएंगे वो बिल्कुल ही आपके बॉडी वेट के हिसाब से होगा, तो फिर ये बिल्कुल आपके हिसाब से परफेक्ट होगा। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक हमें जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, लेट्स डू इट। ऑल राइट गाइस, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो टारगेट वेट दिया एक महीने में लूज करने के लिए वो है 5 kg, क्योंकि एक महीने में 5 kg लूज करना बहुत ही अच्छा वेट माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हम लोग स्किपिंग करके और डाइटिंग करके जिस तरीके से भी वो हम आपको आगे बताएंगे आप एक महीने में 5 kg तक वेट लूज कर सकते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो यहाँ से आपको मेरे साथ थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, कम ऑन। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ जान ली कि 1 kg वेट लॉस करने के लिए आपको टोटल 7700 कैलोरीज को बर्न करना होता है, तब जाके आप 1 kg वेट लॉस कर पाते हैं। सो इसलिए 1 kg को लूज़ करने के लिए आपको 7700 कैलोरीज को बर्न करना होता है। तो इस हिसाब से अगर आपको 5 kg लूज़ करना है तो 7700 × 5 यानी कि 38500 कैलोरीज को आपको बर्न करना होगा, तब जाके आसानी से आप 5 kg वेट लॉस कर पाएंगे। सो इस हिसाब से एक महीने में जिसमें कि हम लोग 30 डेज लेंगे उसमें आपको 38500 कैलोरीज को बर्न करना होगा। तो अगर एक दिन का निकाले तो 38500 / 30 यानी कि एक दिन में आपको 1283.33, अरे कहना क्या चाहते हो, यानी कि एक दिन में आपको अप्रॉक्स 1283 कैलोरीज को बर्न करना होगा, तब जाके आसानी से आप एक महीने में 38500 कैलोरीज को बर्न करेंगे और आप 5 kg वेट लॉस कर पाएंगे। सो गाइस, एक दिन में 1283 कैलोरीज को बर्न करना सबके बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे अब हम लोग का आता है डाइट का रोल। गाइस यहाँ पे आप कर सकते हैं 500 का कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है उससे आपको कम खाना होता है। जैसे कि 500 कैलोरी डेफिसिट अगर हम लोग बोलते हैं तो मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, तो उससे आपको 500 कम खाना होगा, मतलब आपको 1500 ही खाना होगा, वो होगा कैलोरी डेफिसिट। अब बात ये आती है कि किस तरीके से आप ये निकालेंगे कि आपका कैलोरी डेफिसिट कितना है और आप किस तरीके से 1500 कैलोरी लिए, मतलब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं क्या होता है कैलोरी डेफिसिट, उसे किस तरीके से किया जाता है, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और गाइस अगर आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब होता है कि एक दिन में आपको कुछ स्पेसिफिक पीरियड का टाइम होता है उसमें आपको फास्टिंग करना होता है, और फिर कुछ स्पेसिफिक पीरियड का टाइम होता है उसी के बीच में खाना होता है और फिर दोबारा फास्टिंग करना होता है। इसके कई सारे वेरिएशन होते हैं, पर इसका जो सबसे फेमस वेरिएशन होता है वो होता है 16:8, यानी कि एक दिन में आपको 16 आवर फास्टिंग करना होता है और केवल आप 8 आवर के विंडो में ही खाना खा सकते हैं। जैसे कि एक दिन में आपको सुबह के 6 बजे से 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना होगा, उसमें आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, फिर पानी पी सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें आपको कंज्यूम करें जिसमें कि 0 कैलोरीज हो, और फिर दोपहर के 12 बजे तक के शाम के 8 बजे तक आप उसके बीच में खाना खा सकते हैं, और उसके बीच में जो आप खाएंगे ध्यान रखिएगा वो हेल्दी हो, ऐसा नहीं कि उसके बीच में आप अनबन खा ले रहे हैं बर्गर पिज्ज़ा कुछ भी खा ले रहे हैं कि आपका कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, वो नहीं, आपको हेल्दी चीज़ें ही खानी है। और फिर रात के 8 बजे तक के अगले दिन सुबह के 6 बजे तक फिर से आपको कुछ नहीं खाना है, मतलब उसके बीच में फिर आप वही ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, पानी पी सकते हैं जिसमें कि 0 कैलोरीज हो और आपका थोड़ा पेट भर जाए ताकि आप पानी वानी पीते रहे, ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, तो इस तरीके से होगा क्या कि आप एक दिन में 16 आवर के लिए फास्टिंग करेंगे और केवल 8 आवर के विंडो में खाना खाएंगे, तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट में चल जाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहें तो 500 कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं, और अगर आपको इतना कैलकुलेशन करने का मन नहीं है तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उससे करने से आपका लगभग 500 कैलोरी का डेफिसिट हो ही जा रहा है, तभी ये लगभग बराबर होगा। सो गाइस जैसा कि आपको बताया था कि आपको एक दिन में 1283 कैलोरीज को बर्न करना होगा, तब जाकर आप जो है एक महीने में 38500 कैलोरीज को बर्न करेंगे, फिर आपका 5 kg लॉस वेट लॉस होगा। पर अब आपको एक दिन में 1283 कैलोरीज को बर्न नहीं करना होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी 500 का कैलोरी डेफिसिट कर लिया। सो अब आपको वर्कआउट से यानी स्किपिंग से एक दिन में केवल 783 कैलोरीज को बर्न करना होगा और साथ ही में करना होगा 500 का कैलोरी डेफिसिट, तब आप टोटल जो एक दिन में कैलोरी कम करेंगे वो हो जाएगा 1283, और 30 दिनों तक अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप एक महीने में 38500 कैलोरीज को बर्न करेंगे, जिसकी वजह से आप एक महीने में आसानी से 5 kg वेट लॉस कर पाएंगे।
ओके गाइस, अभी तक हम लोगों ने जितने भी कैलकुलेशन की वो एक जनरल कैलकुलेशन थी, यानी कि वो सभी के लिए सेम थी। पर अब जो हम लोग आगे कैलकुलेशन करने वाले हैं वो सबके लिए अलग होगा, क्योंकि वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से होने वाला है और आप एक मिनट में कितना स्किप कर पाते हैं उसके हिसाब से होने वाला है। सो गाइस, अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि स्किपिंग करके आप कितनी कैलोरीज बर्न कर पाएंगे एकदम एग्जैक्ट आपके बॉडी वेट के हिसाब से। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मैट का। मैट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज वाइल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इन वन मिनट। सो हम लोग यूज़ करेंगे मैट का। सो सभी एक्सरसाइजेस के मैट अलग अलग होते हैं, यानी कि एक वर्कआउट को करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, ये कैलोरी नहीं एनर्जी है। ओके, सो स्किपिंग करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है आपकी एक मिनट में। सो स्किपिंग में इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जो लोग एक मिनट में 100 से कम स्किप करते हैं उसका मैट होता है 8.8, और जो लोग एक मिनट में 100 से लेकर 120 स्किप करते हैं उसका मैट होता है 11.8, और जो लोग 120 से लेकर 160 स्किप करते हैं एक मिनट में उसका मैट होता है 12.3। सो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप एक मिनट में कितना स्किप करते हैं, फिर आपको वही वाला मैट लेना है। जैसे कि अगर आप 100 से कम स्किप करते हैं तो उसका मैट ले, अगर आप 100 से 120 स्किप करते हैं तो उसका मैट ले, और अगर आप 120 से लेकर के 160 स्किप करते हैं तो फिर उसका वाला मैट ले। तो इस हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्ट वैल्यू आएगा। पर गाइस, हम लोग जो यहाँ पे मैट लेने वाले हैं वो मिडिल वैल्यू लेने वाले हैं, क्योंकि एक मिनट में 100 से कम स्किप करना बहुत ही धीरे हो गया, और फिर एक मिनट में 120 लेते 160 करना बहुत तेज़ हो गया, क्योंकि वो लोग सब लोग नहीं कर पाते हैं। पर एक एवरेज इंसान जो है वो एक मिनट में 100 से 120 स्किप ही करता है, तो हम लोग वही वाला वैल्यू लेंगे। पर अगर आप थोड़ा धीरे करते हैं या थोड़ा तेज़ करते हैं तो आप उसका मैट ले सकते हैं। ओके ओके गाइस, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक मिनट स्किपिंग करके जिसमें कि आप 100 से 120 स्किप्स करेंगे उससे आप कितना कैलोरी बर्न करेंगे। तो गाइस, इसका फॉर्मूला होता है बॉडी वेट इंटू मैट इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 200। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जिसमें कि आपको अपनी वैल्यू भरनी होगी। सो अब यहाँ पे बॉडी वेट में आपको अपना बॉडी वेट लेना होगा। जैसे गाइस, अगर आपका बॉडी वेट 60 है तो आप 60 ले, अगर आपका बॉडी वेट 90 है तो आप 90 ले। पर हम लोग एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 80 ले रहे हैं, क्योंकि जनरली जो लोग ओवरवेट होते हैं उन लोग का लगभग 80 के आसपास ही रहता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसी तरह 80 ले रहे हैं। पर अगर आपका वेट जितना भी, आप ध्यान रखें कि आप उतना ही ले बॉडी वेट। सो इसलिए अब यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं वो 80 kg बॉडी वेट के हिसाब से होने वाला है। तो इसलिए इस कैलकुलेशन का वो आप अपना ना समझ लें, इसमें आपको अपना बॉडी वेट भरना होगा, तब जाके ये एकदम एक्यूरेट और आपके हिसाब से परफेक्टली आएगा। सो जैसा कि आपको बताए कि बॉडी वेट में हम लोग लेंगे 80 kg और मैट में हम लोग लेंगे 11.8, क्योंकि जनरली लोगों का यही होता है। पर अगर आप एक मिनट में बहुत कम स्किप करते हैं या एक मिनट में बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं तो फिर आप डिफरेंट मैट भी ले सकते हैं, जो कि आपको पहले बताए थे। सो इसलिए 80 × 11.8 × 3.5 / 200, जिसका की वैल्यू आएगा 16.52। सो गाइस, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक 80 kg का इंसान एक मिनट स्किप करता है जिसमें कि वो 100 से 120 स्किप करता है, वो एक मिनट में कैलोरी बर्न करेगा 16.52 कैलोरीज। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक 80 kg के इंसान के हिसाब से है, ये आपके हिसाब से नहीं। यहाँ पे आपको अपना बॉडी वेट डालना होगा और आपका जो भी आप जितना भी तेज स्किप करते हैं उसके हिसाब से आपको मैट डालना होगा। ओके ओके गाइस, अब बारी है फाइनल कैलकुलेशन की। ओके सो एक 80 kg का इंसान एक मिनट स्किप करने पे जिसमें कि वो 100 से 120 स्किप करता है उसमें वो बर्न करता है 16.52 कैलोरी। और जैसा कि हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे कि अगर आपको एक महीने में 5 kg वेट लॉस करना है तो आपको टोटल एक महीने में 38,500 कैलोरीज बर्न करना होगा, और इस हिसाब से आपको एक दिन में 1283 कैलोरीज को बर्न करना होगा, जिसमें कि हम लोग कर लिए 500 का कैलोरी डेफिसिट, तो हम लोग का बचा था 783 कैलोरीज, यानी कि हम लोग को 783 कैलोरीज को बर्न करना था। सो गाइस, अगर एक 80 kg का इंसान एक मिनट स्किप करता है जिसमें कि वो 100 से 120 स्किप करता है वो बर्न करता है 16.52 कैलोरीज, तो उसको 783 कैलोरीज को बर्न करने के लिए कितना देर स्किप करना होगा। सो इसका सिंपल कैलकुलेशन है 783 डिवाइडेड बाय 16.52, जिसका की वैल्यू आएगा 47.3970, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो इसे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, पीछे की ओर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये 47 हो जाएगा और फिर ये जो है ऑड नंबर हो जाएगा, तो हम लोग इसे इवन नंबर रखेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये टोटल अप्रॉक्स हो जाएगा 48 मिनट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक 80 kg का इंसान एक दिन में 48 मिनट स्किप करता है जिसमें कि वो एक मिनट में 100 से 120 स्किप करता है और साथ ही में 500 कैलोरी डेफिसिट करता है, तो वो टोटल एक दिन में 1283 कैलोरीज को बर्न कर पाएगा और एक महीने में 38,500 कैलोरीज को बर्न कर पाएगा, जिसकी वजह से आसानी से एक महीने में 5 kg वेट लॉस कर पाएगा। यस, तो गाइस बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम इसे बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं, तो हम उसे वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। और हाँ, अगर आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसा कि इस कैलकुलेशन का वैल्यू आया 48 मिनट्स, तो आप जब अपने बॉडी वेट के हिसाब से करेंगे, अपने मैट के हिसाब से करेंगे, तो आपका कुछ ना कुछ आएगा, मान लीजिए आपका 40 आया,
या 50 आया, जो भी आया, तो मान लीजिए इसका आया 48 मिनट, तो ऐसा नहीं कि आपको लगातार 40 मिनट स्किप करना होगा। आप चाहें तो 24 मिनट सुबह मॉर्निंग के टाइम पे स्किपिंग कर सकते हैं और 24 मिनट शाम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो भी इफेक्टिव होगा। और अगर आप 24 मिनट जो करेंगे, मान लीजिए सुबह 24 मिनट करें, तो उसको भी ऐसा नहीं कि आपको जो है लगातार करना होगा, आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, इसे डिफरेंट डिफरेंट सेट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा देर पे कर सकते हैं, क्योंकि लगातार 24 मिनट स्किपिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो जैसे कि आप हर 5 मिनट के बाद ब्रेक ले लेके इस तरीके से कर सकते हैं। पर हाँ, जितना देर आप स्किपिंग कर रहे हैं केवल वही काउंट होगा, अगर आप बीच में जो रेस्ट ले रहे हैं वो चीज़ काउंट नहीं होगा। तो इसलिए जितना देर आप स्किप कर रहे हैं वो टोटल जोड़ करके 24 मिनट होना चाहिए सुबह, और शाम को भी 24 मिनट होना चाहिए, तो दोनों जोड़ के हो जाएगा 48 मिनट, और फिर आप आसानी से ये आप जो है कंप्लीट कर पाएंगे अपना जो गोल। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। सो अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक में जरूर करिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन थी, और फिर इसमें बहुत सारा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख कर भी बता रहे थे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप हमको एक और चीज़ बता सकते हैं कि आपको मेरी ये न्यू जर्सी कैसी लगी। ये अगर आप वर्ल्ड कप देखेंगे तो आपको पता ही होगा, ये जर्सी है मेरे फेवरेट प्लेयर मेसी की और मेरे फेवरेट टीम अर्जेंटीना की। तो इस साल वर्ल्ड चैंपियन यानी कि वर्ल्ड कप जीते हैं इस साल, नहीं अब तो ये 2023 आ गया है 2022 में। तो आपको ये जर्सी कैसी लगी ये भी आप चाहें तो बता सकते हैं। तो गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आगे भी अपलोड करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक में जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। तो हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।